जो भी सैलरी रेंज लाए करती है 10 से 15 लाख के बीच में, वहां पे आपका इन हैंड और सिटी से ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। वहां पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो एक्सपीरियंस बैंड के हिसाब से पैसे देती हैं। अगर आप बैंड 3 में आते हो, आपका एक्सपीरियंस 4 साल है, तो आपको, और ये बात भी अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर पैकेज आपको 35 लाख 40 लाख मिल रहा है तो एक्चुअली वो क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल सेट। सो मैं उम्मीद करता हूँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटीसी के बारे में और इनहैंड के बारे में, क्या डिफरेंस है, कोस्ट टू कंपनी और इनहैंड कितना मिलता है, कितने पैकेज पे आपको इनहैंड और सीटीसी बराबर दिखेगा, और कितने ज़्यादा पैकेज के अंदर सीटीसी और इनहैंड में उतना गैप दिखेगा। आज इस वीडियो में आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे और आप कंपेयर कर पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अप होगी। जब भी आप अब देखेंगे किसी का पैकेज अगर 25 लाख का लगा है, 30 लाख का लगा है, तो एक्चुअल में वो 30 लाख है या नहीं है, क्या 30 लाख लगा है तो डिवाइड बाय 12 करके मैं सैलरी पर मंथ की निकाल सकता हूँ, खाली उतना ही होता है, वही इन हैंड है, तो आज ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अलॉन्ग विद बेल आइकन। तो वीडियो पे एम करते हैं 1000 लाइक्स का, देखते हैं हम कर पाते नहीं कर पाते। अगर 1000 लाइक्स कर देते हैं तो इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सीटीसी है क्या। देखिए, सीटीसी स्टैंड्स फॉर कोस्ट टू कंपनी। तो द अमाउंट स्पेंड बाय द कंपनी ऑन द एम्प्लॉय इन अ ईयर, एक साल के अंदर एक एम्प्लॉय है उस पर एक कंपनी एक अमाउंट, एक पैकेज डिफाइन कर रही है, उसे बोलते हैं सीटीसी। तो अब वो पैकेज कुड बी लाइक 13 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इतने ज़्यादा पैकेजेस होते हैं। जितना बड़ा नाम होगा, जितना लाइक जैसे प्रोडक्ट बेस के केस में देखें हम, तो जितने बड़े नाम हैं, गूगल है, अमेज़न है, ठीक है, अडोब हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ जब आप सुनते हो 40 लाख का पैकेज लग गया, 35 लाख का पैकेज लग गया, इसका मतलब ये है कि डिवाइड बाय 12 करके सैलरी निकाल लूँ तो सैलरी महीने की 2.5 लाख रुपये हो गई। इज़ इट ट्रू? ये जितनी मैं बातें अभी बोल रहा हूँ ये फ्रेशर लेवल पे है, ध्यान रखिएगा, जितना अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इनिशियल टाइम पे जब पैकेजेस लगते हैं ये फ्रेशर लेवल पे है, एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं है कि सर उसका रोल चेंज हो गया तो उसका पैकेज इतना हो गया है, उसका पैकेज 35 लाख हो गया है, वो एक अलग केस है वहाँ पे भी, पर ये सारे पैरामीटर्स होंगे जो फ्रेशर लेवल पे होते हैं। बट ये कि जब पैसा बढ़ेगा तो चीज़ें, जो आपका पैकेज सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो भी उस तरीके से इंक्रीज होगा ना। तो बट ये है कि अगर आप चाहे यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, बट खेल सारा वही है। अगर कंपोनेंट्स हैं, अगर फ्लेक्सी बास्केट है, हाउस रेंट अलाउंसेज हैं, अदर अलाउंसेज हैं, स्टॉक जो बहुत बड़ा पिक्चर में आता है वो भी है, कंपनी के आपको शेयर्स मिल रखे हैं और वो आपको एकदम से नहीं मिलेंगे, ईयरली बेसिस पे मिलेंगे, वो सब चीज़ें पिक्चर में आती हैं अगर आप किसी बड़े प्लेयर के साथ इंगेज्ड हो रहे हो, राइट? अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ जा रहे हो, कंपनी है, उसका नाम भी है, बट वो ये सब चीज़ें आपको, कंपनी के शेयर आपको नहीं दे रही है, स्टॉक में आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका इन हैंड होता है और जो आपका सीटीसी होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। ये कौन से केसेस होते हैं? जो भी सैलरी रेंज लाए करती है 10 से 15 लाख के बीच में, वहाँ पे आपका इन हैंड और सीटीसी ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। वहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेज हो गए, राइट, आपका फ्लेक्सी बास्केट हो गया, आपके वेरिएबल कंपोनेंट्स हो गए, जैसे कि साल कंप्लीट होगा तो अगर जो भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस होगी या जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसका कुछ परसेंटेज आपको ईयर के एंड मिलेगा, बट वेरिएबल कंपोनेंट भी सीटीसी का पार्ट हो जाता है जो क्लियरली मेंशन होता है। मेडिक्लेम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये भी सीटीसी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट को मिला के एक सीटीसी बनाया जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिनका पैकेज लाया करता है 10 लाख से 15 लाख के बीच में। और एक और चीज लाए पे जाते हैं, पहले एक चीज और समझ लेते हैं, जो इन हैंड है दैट मीन्स वो टैक्स से भी रिमूव है, मतलब टैक्स नहीं है उसके अंदर। इन हैंड मतलब जो आपके बैंक में जाके क्रेडिट हुआ है उसमें टैक्स भी नहीं है, टैक्स भी कट चुका है। अब टैक्स से कैसे बचा जाए वो सब अलग टॉपिक है, बट अभी हमें समझना है सीटीसी को और अच्छे से। तो सीटीसी गाइस एक कंप्लीट पैकेज होता है जो कंपनी आपको ऑफर करती है ईयरली बेसिस पे, और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आर यू गेटिंग मी? कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, वो सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक सीटीसी बनता है। तो सीटीसी और इन हैंड, अब मान लीजिए इसको एग्जांपल समझे, मैंने कुछ लिस्ट निकाली है कुछ कंपनीज की, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक फ्रेशर को
22 लाख से 25 लाख का पैकेज देती है। अमेजन 26 लाख से 30 लाख का एक पैकेज देती है फ्रेशर को। एडोबी की बात करूँ तो 20 लाख से 25 लाख के बीच में डिपेंड करता है, और क्वालकॉम हो गया 16 लाख से 20 लाख के बीच में। तो ये कुछ कंपनीज है। फ्लिपकार्ट की बात करें 24 लाख से 26 लाख के बीच में एक फ्रेशर को पैकेज मिलता है, ठीक है। अब मैं एक्सपीरियंस वाली चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस जब रोल चेंज होगा तो आपका इंक्रीमेंट भी होगा, बट जो स्टॉक है, फ्लेक्सी बास्केट, HRA, अदर अलाउंसेज, वेरिएबल कॉम्पोनेंट, वो सीनियर के साथ भी और वो फ्रेशर के साथ भी है। बट अभी हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं फ्रेशर लेवल पे। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, अमेजन में हो गया, और आपका पैकेज लगा है 27 लाख का। तो ये मत करना कि 27 लाख का डिवाइड बाय, या फिर वो लोग जो अमेजन में नहीं है उनके माइंड में ही रहता है कि 27 लाख का पैकेज है तो इसको डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं, तो भाई 2 लाख रुपये सैलरी प्लस आएगी अकाउंट में। हाँ देखो, पैसा सारा आपका है, ठीक है, कंपनी का कुछ नहीं है। पैकेज अगर आपको ऑफर हो तो वो आपका ही है। बट होता क्या है, वो 27 लाख नहीं होता, वो होता है 13 लाख। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा है क्या? हाँ जी, ऐसा ही होता है। तो होता क्या है, 27 लाख का पैकेज लगा जिसमें से 9.5 लाख 10 लाख होंगे स्टॉक, कंपनी का शेयर, वो आपको मिलेगा। वो आपको एकदम से नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर में कुछ परसेंट, 2% मिलेगा, 5% मिलेगा, सेकंड ईयर में इतना मिलेगा, थर्ड ईयर में इतना मिलेगा, फोर्थ ईयर में इतना मिलेगा। कोई भी कंपनी किसी भी इंप्लॉय को छोड़ना नहीं चाहती। अगर आपको इतना अमाउंट ऑफर कर रही है तो कभी भी वो छोड़ना नहीं चाहेगी। तो इससे इंप्लॉय जो है इंगेज्ड भी रहेगा उस कंपनी के साथ, कंपनी छोड़ेगा भी नहीं, और छोड़ेगा तो एक अलग केस है, उनके कुछ अलग फिर गाइडलाइंस होंगी। तो 10 लाख, 27 लाख में से 10 लाख हटाओ, 17 लाख बच गया। अब 17 लाख के अंदर आपका मेडिक्लेम भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, वेरिएबल कंपोनेंट भी हो गया, काट पीट के हम आ गए 13 से 14 लाख। तो 13 से 14 लाख जो होगा उसमें से आपका टैक्स हटा के आपको इन हैंड 1,10,000, मतलब अगर मैं इसको एवरेज निकालूं तो 1 लाख से लेके 1,25,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी आएगी। पर जो आपका 10 लाख स्टॉक है जो कंपनी ने अलग कर दिया है, पैकेज का पार्ट है, वो आपको जरूर मिलेगा, एकदम से नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना वैसे ही आप समझ लीजिए, उस हिसाब से आपको वो मिलेगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हाईएस्ट पैकेज लगते हैं, भाई गूगल में लग गया बंदा 35 लाख का, 40 लाख का, तो जितने भी हाईएस्ट पैकेजेस हैं उस केस में क्या होता है, CTC और इनहैंड में बहुत बड़ा गैप होता है। इनहैंड में बहुत ज़्यादा गैप इसलिए आता है क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है पैकेज का पार्ट होती हैं, बट जब इनहैंड दिखता है तो वो इतना दिखता है आपको। बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, आपको ज़्यादा पैकेजेस के अंदर आपको एकोमोडेशन दे देती हैं, ठीक है, आपको रहने का खर्चा दे देती हैं, तो ये सब चीज़ें कर देती हैं, वो पैकेज का पार्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, हम कोई होटल बुक करते हैं तो ये कहते हैं ना वाईफाई भी मिलेगा, हम आपको ब्रेकफास्ट भी देंगे, आपको डिनर भी देंगे, तो ये उनके पैकेज का पार्ट है। आपने 6,000 रुपये दिए और ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। सेम यहाँ भी ऐसा ही हिसाब किताब होता है। बट जितने भी कंपनीज हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है, अभी जो ज़्यादातर पैसे ज़्यादा देती है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जो आपको 25-25 लाख 30-30 लाख का पैकेज देती है। और जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो एक्सपीरियंस बैंड के हिसाब से पैसे देती हैं। अगर आप बैंड 3 में आते हो, आपका एक्सपीरियंस 4 साल है, तो आपको पैकेज मिलेगा 11 लाख से 14 लाख के बीच में। 14 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 11 से 13, 11 से 12 अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर हो। सिमिलरली अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, आपका एक्सपीरियंस 4 साल का है, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, तो आपको 16 से 18 लाख का पैकेज मिल सकता है, ठीक है। दिस इज रियलिटी, सब मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं गेन करता रहता हूँ, तो ये आपको बता रहा हूँ मैं। फ्रेशर लेवल पे जाओगे सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर तो आपको पैकेज मिल जाएगा 4.5 लाख से 6 लाख की रेंज में सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर। प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर आपको मिल जाएगा 8 से 10 के बीच में, ठीक है। बट अगर रेंज है आपकी 15 लाख से अंदर, अगर आपका पैकेज 15 लाख से कम में है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका CTC है और जो इनहैंड है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कोई स्टॉक कुछ नहीं होगा, कुछ चीज़ें कंपोनेंट्स ऐड होंगे, HRA हो जाएगा, फ्लेक्सी बास्केट ऐड हो जाएगा, वेरिएबल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, मेडिक्लेम ऐड हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल सा फॉर्मूला है सैलरी कैलकुलेट करने का, अगर तुम्हारा पैकेज 15 लाख से अंदर में आता है तो डिवाइड बाय 14 कर दो, डिवाइड बाय 12 नहीं करना, तो डिवाइड बाय 14 कर दोगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी जो आपकी परमानेंट सैलरी होगी, टैक्स वैक्स काट के। तभी डिवाइड बाय 14 का है मैंने, डिवाइड बाय 12 नहीं का। तो अगर पैकेज 15 लाख से अंदर तो डिवाइड बाय 14 कर दो। जैसे मैं एग्जांपल हूँ, पैकेज 10 लाख है तो अगर 10 लाख पैकेज है तो 67,000 से 75,000 के बीच में आपको पर मंथ आ जाएगी सैलरी, टैक्स वैक्स हटा के। इनहैंड मतलब टैक्स भी उसमें नहीं है, टैक्स डिटेक्ट कर रखा है, वो आपका आ गया। अब टैक्स को कैसे बचाना है वो एक अलग चीज़ें हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये पूरा एंड टू एंड है। अगर पैकेज क्रॉस कर गया 20 पार या 18 लाख, 20 पार
25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख तक भी पैकेज जाते हैं। उस केस में फिर स्टॉक बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपको अलाउंसेज होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट जो 40 लाख वाला पैकेज होगा उस केस में फिर आपका जो इन हैंड होगा वो 22 लाख या 20 लाख होगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं उस केस में, CTC और इन हैंड में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। बट 15 लाख के अंदर आते हो तो CTC और इन हैंड में कोई गैप नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें बहुत, ये इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ पाओगे कि कहाँ गैप है, कहाँ गैप नहीं है। और कंपनी की प्रोफाइल पे चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा, कंपनी के नाम पे भी, और तभी आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इतना ज़्यादा पैकेज ऑफर कर देती है। बट रियलिटी जो है वो ये नहीं है कि आपका 27 लाख का पैकेज लगा तो आपको डिवाइड बाय 12 करके आपकी परमानेंट सैलरी वो हो गई। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा हो गया तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। तो आई बिलीव गाइस CTC और इनहैंड में आपको डिफरेंस समझ तो आ गया होगा, जो मैंने एग्जांपल्स दिए, अमेजन का एग्जांपल दिया, सेम फॉर गूगल। अगर आपको गूगल 32 लाख 33 लाख का पैकेज दे रही है तो उसमें 10 से 12 लाख उनके स्टॉक होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको अदर कंपोनेंट्स बताए वो भी आप डिटेक्ट कर लो, तो इनहैंड आपको 14 15 16 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, सेम ही एक्सपीरियंस के भी लागू होगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक एम्प्लॉय एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता है, एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। उस केस में क्या होता है, अब ध्यान रखिए, उस केस में क्या होगा, अगर एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो आपका पैकेज बढ़ेगा, तो स्टॉक का अमाउंट परसेंटेज भी बढ़ेगा, फ्लेक्सी बास्केट भी इंक्रीज होगी, और आपका मेडिक्लेम वाला पार्ट आपके ऊपर, आपको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पैकेज। वो पैकेज में जो लिखा है वही मिलेगा आपको, ये नहीं कि कंपनी बीच में कुछ और दे देगी, तो वो पैकेज में इंक्लूड होगा, रिवाइज आपका लेटर दोबारा से रिवाइज होगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली हैं और समझने वाली हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो मैंने कहा इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। तो CTC और इनहैंड में आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि और वीडियो बनानी चाहिए तो विल डेफिनेटली हम बनाएंगे वीडियो इसके ऊपर और, ठीक है। तो बात समझ आ गई। अब बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ तो शायद नाम मैंने भी ना सुने हो, बट हर कंपनी का अगर आप स्लैब देख लोगे, 15 लाख दे रही है तो आप आइडिया लगा सकते हो, 22 लाख दे रही तो आप आइडिया लगा सकते हो, 25 लाख दे रहे तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये वीडियो के थ्रू आप आइडिया आप लगा सकते हो कि इतनी रेंज में ऐसे बात बनेगी, ठीक है। 15 लाख के अंदर तो डिवाइड बाय 14 कर लूँगा तो इतना मेरा इनहैंड बन जाएगा आसपास, ठीक है जी। तो बात समझ आ गई आपको CTC और इनहैंड के बारे में, और ये बात भी अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर पैकेज आपको 35 लाख 40 लाख मिल रहा है तो एक्चुअली वो क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल सेट। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अप करेगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना अलॉन्ग विद बेल आइकन, अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पे एम करते हैं 1000 लाइक्स का, देखते हैं हम कर पाते नहीं कर पाते। अगर 1000 लाइक्स कर देते हैं तो इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। कि अगर होस्टिंग चाहिए हमारे चैनल की तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको प्लान्स डिटेल शेयर कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।